बिलासपुर जिला पत्रकार संघ की एक आवश्यक बैठक परिधि गृह में संपन्न हुई, जिसमें पत्रकारों ने एक स्वर से प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने आने वाले विभिन्न शिष्टमंडलों की कवरेज करने से रोकने का कड़ा संज्ञान लिया है और उनसे आग्रह किया है कि पीड़ित लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के दायित्व से पत्रकारों को भविष्य में न रोका जाए। उन्होंने इस व्यवस्था में तुरंत सुधार लाने की मांग की ताकि पत्रकारों और जिला प्रशासन के बीच समन्वय बना रहे और किसी भी प्रकार का गतिरोध पैदा न हो। आज यहाँ प्रीति गृह में आपातकाल एक बैठक का आयोजन करना पड़ा, क्योंकि जिला के अंदर प्रशासन द्वारा पत्रकारों की अवहेलना की शिकायतें मिल रही थी, उनका निरादर निरंतर हो रहा था, जिससे अधिकारियों और पत्रकारों के बीच एक बहुत बड़ा गैप बनता जा रहा है। जिस तरह से सरकार की नीतियों, अधिकारियों के कार्यक्रम, उनके द्वारा सरकार की नीतियों की इम्प्लीमेंटेशन में कमियों और जनता और अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए पत्रकारों की अवहेलना किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस विषय को लेकर आज पत्रकार संघ ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि पत्रकारों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए ताकि गतिरोध ना बढ़े, और दूसरा ये था कि यहाँ जिला लोक संपर्क अधिकारी पत्रकारों के साथ समन्वय स्थापित करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है और निठल्ला बनकर बैठा हुआ है। समय समय पर प्रेस नोट, सरकार के कार्यक्रम, जिला प्रशासन की बैठकें या उच्च स्तर की बैठकें जब भी यहाँ आयोजित होती हैं, उसकी सूचनाएं नहीं मिल पाती है पत्रकारों को। अधिकांश पत्रकारों की शिकायत है कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही वो भेजते हैं और बाकियों को इग्नोर करके पत्रकारों में रोष पैदा कर रहे हैं, जिसके प्रति भी आज रेजुलेशन पास किया है और प्रदेश मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा ताकि यहाँ इस व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। तीसरे ये है कि पत्रकारों की कुछ मांगें थी, जैसे संलग्न राज्यों में पत्रकारों को पेंशन की सुविधा है, यहाँ भी जो रिटायर हुए हैं पत्रकार उनको पेंशन की सुविधा दी जाए ताकि जो उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक कार्यों के लिए अपना जो जीवन लगाया है, कम से कम बुढ़ापे में उनको संरक्षण मिल सके। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।